प्राइमस कैसेट्स। कल की कथा में हम सभी बड़े भाव के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम स्कंद में भगवान श्री कृष्ण की स्तुति तीन नारियों द्वारा की गई है और उन तीन नारियों में देवी द्रौपदी हैं, देवी उत्तरा है और देवी कुंती है। तीन स्त्रियों द्वारा भगवान की स्तुति का वर्णन है और तीन पुरुषों द्वारा भगवान की स्तुति का वर्णन है। तीन पुरुषों द्वारा भगवान की स्तुति का वर्णन, भीष्म द्वारा भगवान की स्तुति, धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा भगवान की स्तुति, महाराज परीक्षित द्वारा भगवान की स्तुति का वर्णन किया गया है। भगवान तो हमारे पास में हमेशा हैं, किसी ना किसी रूप में ठाकुर हमारे साथ में ही हैं, लेकिन भगवान को पहचानने के लिए उनकी कृपा की परम आवश्यकता है। कुंती के साथ ठाकुर न जाने कितने समय से रहे हैं, लेकिन जब कुंती ने भगवान श्याम सुंदर को अपने महाराज प्रपौत की प्राण रक्षा करते हुए देखा तब विश्वास हुआ कि ये साक्षात भगवान है। भगवान की बार बार कहने पर कुंती ने भगवान से दुख ही मांगा है और दुख ऐसी वस्तु है कि जो कोई भगवान से कभी मांगता नहीं है। क्यों? मांगने की आवश्यकता नहीं है, वो भरपूर मात्रा में पहले ही प्राप्त हुआ है। जो पहले से ही हमारे पास में मौजूद है और भगवान से मांगने की आवश्यकता क्या है। लेकिन कुंती का मानना एक है, गोविंद जीवन में दुख ही आपके याद का रास्ता बन जाता है, संसार के कष्ट ही आपकी स्मृति का रास्ता बन जाता है, इसलिए आप मेरे जीवन में दुख दे दो। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलहारी बा दुख की जो पल पल याद कराए। ऐसा सुख क्या कन्हैया जिसमें आपकी याद ही नहीं आवे, और वो दुख धन्य है जब जब मेरे जीवन में विपत्तियों के पहाड़ टूटे थे। कन्हैया आपने मेरे जीवन में कृपा की, ऐसी वृष्टि की, इसलिए आप दुख मुझे प्रदान करो। लेकिन भगवान ने कहा, बुआ क्षमा करें, मैं आपको दुख नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि भगवान के यहां पर दुख नाम की कोई वस्तु नहीं है। जिसके पास में जो वस्तु है नहीं, वो वहां वो से देगा कहां से? भगवान के पास में क्या है? जो आनंद सिंध सुख राशि, 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 सीकर दे लोक सुभासी, सीकर
सागन है महाराज, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद का समुद्र है, उस आनंद के सागर के पास में यदि महाराज हम दुख मांगे तो वो दुख कहां से देगा। एक निवेदन में करना चाहूंगा, ये संसार है और संसार में सुख की कोई व्यवस्था नहीं भगवान ने बनाई है। इस संसार में सब कुछ है लेकिन सुख नाम की कोई व्यवस्था भगवान ने नहीं बनाई, सुख है ही नहीं। संसार में जिसको हम सुख मानते हैं असली माने में वो सुख है ही नहीं महाराज, क्योंकि उस एक सुख के पीछे ढेरों महाराज दुख का पहाड़ हमारे पीछे लगा हुआ है। इसलिए संसार के पास सुख की कोई व्यवस्था नहीं और भगवान के पास में दुख की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए भगवान ने कहा बुआ जी मैं आपको दुख नहीं दे सकता क्योंकि मेरे खजाने में नहीं है, आप सुख मांग लीजिए। संसार से सुख मांगोगे दुख मिलेगा, भगवान से सुख मांगोगे तो अवश्य मिलेगा और वो आनंद प्राप्त होगा। इसलिए महाराज भगवान ने कहा देखो बुआ मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, जब जब आप मेरा स्मरण करोगी मैं आपके सामने प्रकट हो जाया करूंगा। इसलिए हर स्थिति में परिस्थिति में भगवान का नाम जपते रहो, क्योंकि भगवान का नाम ही ऐसा है इन संसार के दुखों से अभय दिलाने वाला, केवल भगवान का ही नाम सर्वोपरि है। इसलिए प्रभु का नाम जपना चाहिए। कुंती को खूब आश्वासन भगवान ने दिया फिर भी आज वो प्रसन्न नहीं है। भगवान बोले बुआ जी मैं आपको प्रसन्न देखना चाहता हूं जरा बताओ। तब कहा कन्हैया बात ये है, जब मेरे जीवन में दुखों के पहाड़ थे आप मेरे साथ में थे और आज दुखों के बादल हट गए सुख के बादल आए हैं तो आप मुझे छोड़कर के द्वारिका जा रहे हैं। कन्हैया ने कहा बुआ जी मेरे जाने से आपको दुख है, वचन देता हूं आज द्वारका जाना कैंसिल है, कुछ समय के लिए भगवान ने द्वारका जाने वाली यात्रा को स्थगित कर दिया है महाराज। सब लोग बड़े प्रसन्न हुए हैं। रात्रि का समय है, भगवान हस्तिनापुर नगरी में विश्राम कर रहे हैं, लेकिन भगवान जो हस्तिनापुर में ठहरे हैं भगवान के रुकने का एक विशेष कारण और है महाराज। वो क्या है मालूम है आपको? एक भगवान के परम प्रिय भक्त जिनका नाम है भीष्म, बाणों की सैया पर रणभूमि में सोए हुए हैं, हजार बाण उनके हृदय का भेदन करे हुए हैं, ऐसी अपार पीड़ा को सह रहे हैं दादा भीष्म, जबकि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान भी मिला हुआ है। आज कन्हैया उनके कल्याण के लिए उनके उद्धार के लिए रुके हुए हैं। पितामह का अंतिम समय है सज्जनों, धन्य है दादा भीष्म पितामह, उनके अंतिम समय पर बड़े बड़े संत महात्मा उनका दर्शन करने को जा रहे हैं। कौन कौन जा रहा है? पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान वादुरायणाम
बृहदव्यो भरद्वाज सशिष्यो रेणुका सुतः। बड़े बड़े संत महात्मा पर्वत नारद धौम भगवान वादरायण श्री परशुराम जी महाराज अपने शिष्यों के साथ में बड़े बड़े संत महात्मा जा रहे हैं अंतिम दर्शन करने को। भैया अंतिम समय पर संत का दर्शन भगवत दर्शन शुभ होता है। एक दृष्टि में देखा जाए हमारे पास कौन आता है, या तो चाचा जी के आएंगे या ताऊ जी के आएंगे, रिश्तेदार भी आ जाएंगे, व्यवहार अच्छा होगा तो पड़ोसी भी आ जाएंगे, पैसा अच्छा होगा तो डॉक्टर भी आएंगे, लेकिन कोई संत महात्मा या कोई महापुरुष या भगवान नहीं आएगा। इसमें जीवन में यदि कुछ अच्छा कर्म किया है, जीवन में सत्कार्य किया है, जीवन में परोपकार किया है, जीवन में पुण्य का कार्य किया है, तो मरते समय संत दर्शन अवश्य होगा, और वो संत दर्शन भगवत दर्शन के ही तुल्य होता है। पितामह का अंतिम दर्शन करने के लिए बड़े बड़े संत महात्मा तो जाने, आज मेरे द्वारकाधीश त्रिलोकीनाथ श्री श्याम सुंदर पांचों पांडव देवी द्रौपदी को साथ लेकर रात्रि के समय दादा भीष्म के पास पहुंच गए हैं, प्रणाम किया है। दादाजी प्रणाम करते हैं, ये पांचों पांडव आपको प्रणाम कर रहे हैं, मैं भी आपको प्रणाम करता हूं द्वारकाधीश कृष्ण। पितामह ने जैसे सुना कृष्ण आप पधारे हो, पितामह का अंतर हृदय इतना प्रसन्न हो गया, इतने गदगद हो गए, नेत्रों से आंसुओं की धार बहने लगी। आज प्रसन्नता का सागर उमड़ने लगा है, मेरे कन्हैया मेरे गोविंद, जिंदगी भर मैंने आपकी प्रतीक्षा की, आज आप मेरे मरते समय मेरे सन्मुख आ गए हो, आज आपने मुझे धन्य बना दिया, बड़ी कृपा की है गोविंद आपने। लेकिन हे ठाकुर जी, हे मेरे प्रभु, कभी मैंने आपसे कोई मांग नहीं की, कभी मैंने आपसे कभी कुछ मांगा नहीं, लेकिन आज एक मेरा निवेदन है आपसे। पूरा जीवन मैंने तुम्हारी प्रतीक्षा में, तुम्हारी याद में, तुम्हारे इंतजार में मैंने अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, लेकिन एक बात आज कान खोल के सुन लो कन्हैया, अब मैं तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं करने वाला हूं, आपको मेरी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। कौन सी प्रतीक्षा? मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ है, जब तक मैं नहीं चाहूं मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। और कन्हैया मेरी इच्छा है जब मैं प्राण त्यागूं तब तक आप मेरे सामने ही खड़े रहोगे, मेरी मृत्यु की प्रतीक्षा करोगे। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवलम या विदिदम हिनोमिहम प्रसन्न हासा अरलोचनो मुकाम्बुजो ध्यान पदा चतुर्भुजा। मेरी प्रतीक्षा करोगे तुम? कन्हैया बोले दादाजी काय को चिंता करते हो? अरे चिंता ना करो, मैं आपको अभी ठीक की देता हूं, आप स्वस्थ हो जाओगे, और भी आप अनेक वर्षों तक आप जीवित रह सकते हो ना तकलीफ के, अभी आपको बस एक क्षण में आपको ठीक कर देता हूं।
पितामह ने कहा कन्हैया क्षमा करें, अब मुझे चलाने की कोशिश न करो, मैं जीना नहीं चाहता, मेरे मन में को जीने की कोई तमन्ना नहीं है, और ऐसी स्थिति में देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मेरे मन को लुभाते, यही गीत गाते मैं तननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेती। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, 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 अंत राम अभी से नाम लेने की जरूरत क्या है, अभी तो बहुत जीना है हमें, अरे पूरा बुढ़ापा पड़ा है, बुढ़ापे में भजन ही तो करना है, और मरते समय भगवान का नाम ले लेंगे, ये भूल जीवन से निकाल देना, क्योंकि महाराज जन्म जन्मांतर बड़े बड़े संत महात्मा ज्ञानी यही उम्मीद लगा के भगवान का भजन करते हैं कि मरते समय भगवान का नाम मुख से निकल जाए, लेकिन नहीं निकल पाता है। ये तभी संभव होगा जब हम अपना पूरा जीवन भगवान के भजन में लगाएंगे। इसलिए महाराज अभी से भगवान के भजन में लग जाओ, चलते फिरते खाते पीते नाचते गाते हर समय भगवान का भजन करो। श्री राम जय राम, जय जय राम, भाव से श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्याम सुंदर मेरा निवेदन है आपसे, आप मेरे सन्मुख ही रहो, मैं आपको देखते देखते अपने प्राण त्यागना चाहता हूं, तभी तो ऐसा भाव है। इतना तो करना स्वामी जब मेरे प्राण तन से निकलें, गोविंद नाम कहकर
प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो, मेरा सांवरा।